आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इवोल्यूशन सिस्टम। इवोल्यूशन सिस्टम, इससे पहले कई सारे टॉपिक हमारे टीचिंग एप्टीट्यूड में हो चुके हैं। टीचिंग एप्टीट्यूड ऑलमोस्ट गोइंग टू फिनिश, एक या दो टॉपिक ही बचा है इसमें। जो मेन मेन टॉपिक आते हैं वो हम डिस्कस कर लेंगे बाद में, लेकिन अभी वाला जो टॉपिक है इसमें हम करेंगे। इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू डिस्कस द इवोल्यूशन सिस्टम एंड वन ऑफ द मोस्ट 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 इम्पोर्टेंट टॉपिक इन टीचिंग एप्टीट्यूड। इवोल्यूशन सिस्टम जो है वो काम करता AE, पहले असेसमेंट होता है। A स्टैंड फॉर असेसमेंट एंड E स्टैंड फॉर इवोल्यूशन। पहले जो है असेसमेंट होता है, देन क्या होता है, इवोल्यूशन होता है। नेक्स्ट, अब असेसमेंट होता क्या है, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ असेसमेंट। असेसमेंट क्या है, प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, कलेक्टिंग, एनालाइजिंग, रिपोर्टिंग इंफॉर्मेशन अबाउट स्टूडेंट्स लर्निंग। असेसमेंट, व्हाट इज असेसमेंट। असेसमेंट हमने देखा कि प्रोसेस है किसका, प्लानिंग, कलेक्टिंग, एनालाइजिंग, रिपोर्टिंग इंफॉर्मेशन अबाउट स्टूडेंट्स लर्निंग। ये क्या करता है, स्टूडेंट लर्निंग के बारे में प्लानिंग करता है, इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करता है, देन एनालाइज करता है, उसके बाद क्या है, रिपोर्टिंग जो है, रिपोर्ट कार्ड या स्कोर कार्ड ये जनरेट करता है। नेक्स्ट हम देख रहे हैं कि डायग्राम की हेल्प से ये कैसे वर्कआउट करता है। पहले हमारी प्लानिंग होती है, प्लानिंग जो है, प्लानिंग के बाद हमारा कलेक्टिंग होती है, जो भी स्टूडेंट्स के बारे में हम यहाँ पे इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। नेक्स्ट उसके बाद हमारा एनालाइजिंग होती है, स्टूडेंट के बारे में आपने इंफॉर्मेशन तो कलेक्ट कर ली, लेकिन उसके बाद उसको एनालाइज करोगे, देन रिपोर्टिंग करोगे, वट एवर बी द परफॉर्मेंस, कि स्टूडेंट की क्या परफॉर्मेंस है, स्टूडेंट्स कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं, वो सब हम रिपोर्ट करते हैं यहाँ पे। ये प्रोसेस जो है इसी तरीके से चलता रहता है। अब इसका एक शॉर्ट फॉर्म है, मैंने इसको कैसे याद किया हुआ था, PCAR, जो पुलिस की गाड़ी होती है, PCR, ठीक है, PCR होती है। तो इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया है कि जो असेसमेंट है उसकी जो प्रोसेस है वो कैसे याद, कैसे काम करती है। PCAR, पी स्टैंड फॉर प्लानिंग, सी स्टैंड फॉर कलेक्टिंग, ए स्टैंड फॉर एनालाइजिंग, आर स्टैंड फॉर रिपोर्टिंग। आप इस तरीके से याद कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा इवोल्यूशन। इवोल्यूशन क्या होता है, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ इवोल्यूशन। इवोल्यूशन क्या है कि इवोल्यूशन इज ए वैल्यू जजमेंट ऑन एन ऑब्जर्वेशन परफॉर्मेंस टेस्ट और इनबिल्ड एनी डाटा वेदर डायरेक्टली मेजर्ड और इन्फर्ड। मीन्स क्या है, आप यहाँ पे जजमेंट, सबसे मेन कीवर्ड क्या है, यहाँ पे जज करते हैं। जजमेंट होता है कि जो आपका परफॉर्मेंस टेस्ट है, मान के चलो आपने यूनिट टेस्ट लिया या आपने चैप्टर वाइज कोई टेस्ट लेते हैं, तो वहां पे जो है ये ऑब्जर्व करता है, जजमेंट। जजमेंट का मतलब क्या होता है, एक तरीके से जज करना बाय अप्लाइंग योर एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस के बेसिस पे आप देखते हैं कि वो मेजर करते हैं परफॉर्मेंस स्टूडेंट्स की। इवोल्यूशन इज द प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग टू, इवोल्यूशन क्या है, एक प्रोसेस है ऑफ डिटरमाइन, इवोल्यूशन इज द प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग टू व्हाट एक्सटेंट द एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव आर बीइंग रियलाइज्ड। मींस क्या है कि किस हद तक जो है हम जो हमारा एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव है उसको हम कहाँ तक अचीव कर पाए थे। उसके बाद हम देखेंगे कि इसमें जो नेक्स्ट जो है असेसमेंट और इवोल्यूशन के अंदर क्या डिफरेंस है और इन दोनों के बीच में क्या कॉमन है वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। अब इसमें क्या है कि जो असेसमेंट क्या है, ये ऑनगोइंग प्रोसेस है। इसकी मैं PPT आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी, ये इसमें थोड़ा क्लियर नहीं हो रहा, थोड़ा ब्लर्ड आ रहा है, या आप इन पॉइंट को साथ के साथ नोट करते जाना, साथ के साथ आप इसको नोट कर लेना। ये जो पॉइंट है ये क्या है, ऑन गोइंग। फर्स्ट पॉइंट क्या है, ऑन गोइंग। असेसमेंट क्या है, ऑन गोइंग प्रोसेस है, मतलब ये कंटिन्यू चलता रहता है। नेक्स्ट क्या है, इज पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब क्या है, ये पॉजिटिव वे में इसको कंडक्ट किया जाता है,
ये स्टूडेंट्स की जो है परफॉर्मेंस चेक करने के लिए हम इसका यूज करते हैं, इज एन इंडिविजुअलाइज्ड. इंडिविजुअलाइज्ड का मतलब क्या है, ये हर एक स्टूडेंट के बारे में इंफॉर्मेशन जो है असेसमेंट से मिलती है. नेक्स्ट हमारा क्या है, प्रोवाइड फीडबैक. वट एवर बी द जो स्टूडेंट्स की जो भी परफॉर्मेंस रहेगी, जो भी उनके मार्क्स आते हैं, जो भी उनकी रिपोर्ट कार्ड रहेगा, जो भी रहेगा, वो सारा जो है फीडबैक प्रोवाइड किया जाता है किसमें, असेसमेंट में. अब इन दोनों के बीच में जो कॉमन है वो कॉमन क्या है, बोथ रिक्वायर क्राइटेरिया यूज मेजर आर एविडेंस ड्रिवन. मीन्स क्या है कि दोनों में मेजरमेंट रिक्वायर्ड होती है, दोनों में एविडेंस ड्रिवन का मतलब क्या है, कुछ ना कुछ प्रूफ रहता है, जैसे कि यहाँ पे रिपोर्ट कार्ड जनरेट किया जाता है दोनों में कि हाँ बच्चे का ये परफॉर्मेंस है, बच्चा यहाँ पे स्टैंड करता है. ये दोनों में इवेल्यूशन और असेसमेंट जो है दोनों में कॉमन है कि दोनों के कुछ ना कुछ क्राइटेरिया अपना रखते हैं, उसके बेसिस पे स्टूडेंट्स की जो है परफॉर्मेंस मेजर करते हैं. इसमें अब इवोल्यूशन हम देखते हैं, इवोल्यूशन में क्या है, इवेल्यूएशन क्या है, प्रोवाइड क्लोजर. ये क्या है, ये जो वर्ड लिखा हुआ है प्रोवाइड क्लोजर इज जजमेंटल. इवेल्युएशन क्या है, एक तो क्लोजर प्रोवाइड करता है और दूसरा क्या है, जजमेंटल है. और क्या ये इज अप्लाइड अगेंस्ट स्टैंडर्ड शो शॉर्टफॉल. मीन्स क्या है, ये जो हमारा कुछ ना कुछ स्टैंडर्ड क्राइटेरिया रहता है कि भाई आपको आउट ऑफ 133 मार्क्स आपको आने ही आने चाहिए, कि आपको 40 मार्क्स आने चाहिए तो ही आप पास कर पाएंगे, कुछ ना कुछ क्राइटेरिया यहाँ पे रख दिया जाता है. तो आप उस एक तरीके से स्टैंडर्ड डिसाइड कर दिया जाता है, आप उस स्टैंडर्ड के अगेंस्ट में क्या है परफॉर्मेंस को मेजर करते हैं. नेक्स्ट हम देखते हैं असेसमेंट का जो पर्पज है वो क्या है एंड इवोल्यूशन का पर्पज क्या है, इवेल्युएशन का पर्पज क्या है. जो हमारा पर्पज है यानी कि असेसमेंट का जो पर्पज है वो क्वालिटी को इंक्रीज करना है. ये पॉइंट याद रखना, कुछ याद रहे ना रहे, असेसमेंट का मतलब होता है इंक्रीज द क्वालिटी एंड इवेल्युएशन का मतलब होता है जज द क्वालिटी. असेसमेंट, आई रिपीट वंस अगेन, असेसमेंट इंक्रीज द क्वालिटी मीन्स असेसमेंट फोकस ऑन इंक्रीजिंग द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन एंड इवेल्युएशन इज टू जजमेंट द क्वालिटी. इवेल्युएशन क्या करता है, क्वालिटी को जज करता है. नेक्स्ट हमारा देखते हैं कि असेसमेंट लर्निंग साइकिल क्या होता है. असेसमेंट लर्निंग साइकिल हमारा जो होता है, असेसमेंट लर्निंग साइकिल में पहले हम ऑब्जेक्टिव डिफाइन करते हैं. डिफाइन इंटेंडेड लर्निंग ऑब्जेक्टिव. आप जो है जो भी लर्न करने हैं या जो स्टूडेंट्स को आप क्या लर्न करना है क्या नहीं लर्न करना है, एक ऑब्जेक्टिव आप यहाँ पर डिसाइड कर देते हैं. उसके बाद मेजर सिलेक्टेड लर्निंग आउटकम्स, बच्चों ने क्या लर्न किया है, जो आपने लेसन डिलीवर किया था, जो आपने टीच किया था, उसमें से बच्चों ने जो आपने एक ऑब्जेक्टिव डिसाइड किया था उसमें से बच्चों ने कितना बच्चों को लर्न हुआ है कितना नहीं हुआ है, आप वहां पे जो है सिलेक्टेड लर्निंग आउटकम्स. आउटकम्स का मतलब होता है एक तरीके से बच्चों की आउटपुट क्या है. नेक्स्ट अब देखते हैं कंपेयर आउटकम्स विद इंटेंडेड ऑब्जेक्टिव. थर्ड स्टेप में क्या करते हैं, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड फोर्थ. थर्ड स्टेप में आप क्या करते हैं कि आप कंपेयर करते हैं जो आपने एक ऑब्जेक्टिव डिसाइड किया था और जो बच्चों की एक आउटपुट आई है, उन दोनों के बीच में आप कंपैरिजन करते हैं कि बच्चों ने, आपने जो ऑब्जेक्टिव डिसाइड किया था, बच्चे वहां किस हद तक उस ऑब्जेक्टिव को अचीव कर पाए हैं, दोनों के बीच में कंपैरिजन होता है. नेक्स्ट होता है आपका रीडिजाइन प्रोग्राम टू इम्प्रूव लर्निंग. ये क्या है, यहाँ पे ये जो वर्ड है ये थोड़ा सा ब्लरिंग है, दिख नहीं रहा है, स्कैनिंग में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा था. लर्निंग मीन्स क्या है, रीडिजाइन प्रोग्राम टू इम्प्रूव द लर्निंग. आप प्रोग्राम को रीडिजाइन करते हैं प्रोग्राम लर्निंग को इम्प्रूव करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे मान के चलो कि बच्चा थर्ड स्टेप पे आप कंपेयर करते हैं कि जो आपने ऑब्जेक्टिव डिसाइड किया था बच्चा उस ऑब्जेक्टिव तक नहीं पहुंच पाया है,
जो आपने डिसाइड किया था, तो आप प्रोग्राम रीडिजाइन करते हैं कि किस उसमें कहाँ कमी रह गई है कि ताकि बच्चा और ज्यादा से ज्यादा अच्छा लर्न करे। अब आप देखेंगे डिफरेंस बिटवीन द असेसमेंट एंड इवेल्युएशन, दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है वो आप यहाँ पे देखेंगे। असेसमेंट का जो मेन काम होता है, वो डाटा कलेक्शन होता है। असेसमेंट क्या करता है, डाटा कलेक्ट करता है। कुछ जो टीचर है, मुझे भी नहीं पता ये मैंने कहाँ से पढ़ा था, लेकिन मेरे नोट्स के अंदर लिखा हुआ है, बहुत अच्छे से लिखा हुआ है, ये मेरे अपने पर्सनल नोट्स हैं। असेसमेंट जो है डाटा कलेक्शन, मीन्स असेसमेंट का मेन काम जो होता है वो क्या होता है, डाटा का कलेक्शन करना होता है। असेसमेंट, असेसमेंट इज गैदरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट समथिंग सच दैट स्टूडेंट परफॉर्मेंस, मीन्स क्या है कि असेसमेंट का मेन काम क्या है, इंफॉर्मेशन को गैदर करना अबाउट द स्टूडेंट परफॉर्मेंस। आप बोल सकते हैं स्टूडेंट की परफॉर्मेंस के रिगार्डिंग आप यहाँ पे असेसमेंट के जरिए इंफॉर्मेशन को गैदर करते हैं। असेसमेंट इज द इंफॉर्मेशन, असेसमेंट इज इंफॉर्मेशन, आप बोल सकते हैं असेसमेंट एक तरीके से इंफॉर्मेशन ही है। असेसमेंट इज ए क्वालिटेटिव, असेसमेंट क्या है, क्वालिटेटिव है। असेसमेंट क्या है, क्वालिटेटिव है। असेसमेंट पिन पॉइंट स्पेसिफिक स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, क्या है असेसमेंट जो है पिन पॉइंट करता है स्पेसिफिक स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। पिन पॉइंट का मतलब क्या है कि बताता है एक तरीके से स्पेसिफिक पर्टिकुलर जो रहती है स्ट्रेंथ और वीकनेस जो है, किस बच्चे की क्या स्ट्रेंथ है और क्या वीकनेस है वो कौन बताता है, असेसमेंट बताता है। असेसमेंट इज ए डायग्नोस्टिक एंड फॉर्मेट, असेसमेंट का मेन काम क्या है कि जो स्पेसिफिक स्ट्रेंथ एंड वीकनेस को पॉइंट आउट करना है। असेसमेंट इज डायग्नोस्टिक एंड फॉर्मेटिव एज वेल एज अफर्मेटिव, जो असेसमेंट है वो डायग्नोस्टिक हो सकती है, फॉर्मेटिव हो सकती है, एज वेल एज सम्मेटिव हो सकती है। अब एक बार मैं बता देती हूँ, आगे लेक्चर को आगे कंटिन्यू करने से पहले एक बार बता देती हूँ कितने तरीके की होती है, हम कितने तरीके से इवेल्युएशन करते हैं। बेसिकली जो हमारा इवोल्यूशन, टाइप्स ऑफ इवोल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ इंस्ट्रक्शन, कितने तरीके की इवोल्यूशन होती है हमारी, प्लेसमेंट इवोल्यूशन होती है, फॉर्मेटिव होती है, डायग्नोस्टिक होती है, सबमेटिव इवोल्यूशन होती है। सबमेटिव इवोल्यूशन को हम एक्सटर्नल इवोल्यूशन भी बोलते हैं। बेसिकली हम चार ही उस पर मतलब ज्यादा से ज्यादा यही पूछे जाते हैं, चार ही पूछे जाते हैं। कुछ एक्स्ट्रा अगर पूछा गया तो वो जब प्रीवियस ईयर हम सोल्व करेंगे तो वहां पे हम डिस्कस कर लेंगे। मेन चीज यही है। अब इसमें क्या है कि आपको क्या क्या जरूरत पड़ती है इवोल्यूशन के लिए, ऑडियो वीडियो, ऑडियो विजुअल के जरिए, मतलब सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर क्या क्या यूज होता है आपका, हार्डवेयर में आपका क्या क्या होता है ये। हाँ, एक चीज मैं बताना चाहूंगी, ये मैं टीच नहीं कर रही हूँ, एपिडियास्कोप, ओवरहेड प्रोजेक्ट, रेडियो स्लाइड फिल्म प्रोजेक्ट, इसमें जो पूछा गया ना, ये एपिडियास्कोप ओवरहेड प्रोजेक्ट, एक दो बार ये एग्जाम में पूछा हुआ है, एक बार आप इसको स्टडी कर लेना। जिनके पास केवीएस मदान बुक है आप केवीएस मदान से स्टडी कर लेना, और जिनके पास नहीं है तो आप गूगल पे जाकर के सर्च करके इसको स्टडी कर लेना, एक दो बार ये पूछा हुआ है। टीचिंग मशीन टेलीविजन, आजकल जो स्वयं पर है 24/7 G-Set 15 की हेल्प से, जो मैं ऑलरेडी कवर कर चुकी हूँ, तो उस पर टीवी पे भी हमारा एक प्रोग्राम चलता है, वहाँ पे भी टीच किया जाता है, टेलीविजन की हेल्प से भी हम स्टडी कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर में क्या है, न्यूज़पेपर है, बुक है, जो आजकल ई न्यूज़पेपर आ रहे हैं, बुक्स हैं, ई बुक वगैरह, मैगजीन है, एजुकेशनल गेम्स है, फ्लैश कार्ड एटसेट्रा, हम जो है सॉफ्टवेयर के जरिए हम स्टडी कर सकते हैं, इवेल्युएट कर सकते हैं। इवोल्यूशन टेक्निक जो है दो तरीके की होती है, कौन कौन सी होती है, क्वालिटेटिव होते हैं, क्वांटिटेटिव होती है। क्वालिटेटिव में जो है कौन कौन सा आता है, क्वालिटेटिव जो होती है वो ऑब्जर्वेशन और इंटरव्यू,
चेकलिस्ट रेटिंग स्केल क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड इस तरीके से आ जाता है। क्वालिटेटिव क्वालिटी जिसमें चेक करी जाती है वहाँ पे ऑब्जर्वेशन और इंटरव्यू में आप क्वालिटी देखते हैं। चेकलिस्ट आप प्रिपेयर करके आप कर सकते हैं, रेटिंग स्केल से आप देख सकते हैं 5 स्टार 3 स्टार 4 स्टार इस तरीके से। क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड्स जो होता है उस तरीके से आप मैनेज कर सकते हैं। क्वांटिटेटिव टेक्निक में क्या है, रिटन एग्जाम हो गए, ओरल एग्जामिनेशन हो गए, प्रैक्टिकल जहाँ पे आप मार्क्स असाइन करते हैं वो आगे आपके क्वांटिटेटिव है। नेक्स्ट देखते हैं व्हाट इज इवैल्यूएशन। असेसमेंट हमने देखा, असेसमेंट में क्या करते हैं बेसिकली आप डाटा की गैदरिंग करते हैं स्टूडेंट की परफॉर्मेंस के बारे में, उसमें बेसिकली आप इंफॉर्मेशन इकट्ठा करते हैं स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस के रिगार्डिंग। इवोल्यूशन में आप क्या करते हैं, इवोल्यूशन बेसिकली क्या होता है, जो डाटा आपने असेसमेंट में इकट्ठा किया था उस असेसमेंट के डाटा को क्या किया हुआ है, आप क्या करते हैं कि जो डाटा असेसमेंट में इकट्ठा हुआ था जो आपने गैदर किया था उसका आउटपुट कहाँ निकालते हैं आप, इवेल्युएशन में कहाँ निकालते हैं, इवेल्युएशन में आप आउटपुट निकालते हैं, चेक करते हैं बेसिकली। इवेल्युएशन इज द एक्ट ऑफ सेटिंग ए वैल्यू ऑन असेसमेंट इंफॉर्मेशन। असेसमेंट की जो भी इंफॉर्मेशन रहती है उसके ऊपर आप एक वैल्यू सेट कर देते हैं, दैट इज कॉल्ड द इवेल्युएशन। इवेल्युएशन इज ए जजमेंट, जजमेंटल होती है, मैं बार बार बोल चुकी हूँ, बार बार ये वर्ड आ रहा है। इवेल्युएशन जो होती है जजमेंटल होती है, बेसिकली ये क्वालिटी को जज करता है इवेल्युएशन, और जो असेसमेंट वो क्या करता है क्वालिटी को इंक्रीज करता है। असेसमेंट का फोकस होता है कि आपका क्वालिटी को कैसे इंक्रीज करा जाए, और इवेल्युएशन का क्या है कितनी क्वालिटी है, कैसी क्वालिटी है, क्या है वो कौन चेक करता है, इवेल्युएशन। इवेल्युएशन इज ए क्वांटिटेटिव, क्या है ये टर्म याद रखने की है कि क्वांटिटेटिव इवेल्युएशन क्या है, क्वांटिटेटिव है। क्यों क्वांटिटेटिव है, क्योंकि ये यहाँ पे एक वैल्यू सेट कर रहे हैं, क्या है एक वैल्यू सेट कर रहे हैं किसके ऊपर, असेसमेंट के ऊपर। इवेल्युएशन रैंक एंड सॉर्ट इंडिविजुअल विद इन ए ग्रुप्स, मतलब ये रैंक असाइन कर देते हैं इसमें। अब देख सकते हैं टाइप्स ऑफ इवेल्युएशन। इवेल्युएशन जो मेन फोकस रहता है इवेल्युएशन का वो किस पे रहता है, सीसीई पैटर्न्स। किस पे मेन फोकस रहता है, सीसीई पैटर्न्स पे मेन फोकस रहता है। सीसीई क्या है, फर्स्ट सी स्टैंड फॉर कंटिन्यूअस, नेक्स्ट कॉम्प्रिहेंशन, नेक्स्ट इवोल्यूशन। मीन्स सीसीई कंटिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवोल्यूशन, क्या है कंटिन्यूअस कॉम्प्रीहेंसिव इवोल्यूशन, आजकल बहुत ज्यादा ट्रेंड में है ये। अब कंटिन्यूअस क्या होता है, कंटिन्यूअस क्या है, रेगुलर एंड कंटिन्यूअस एक्टिविटी कंडक्टेड थ्रू आउट द ईयर्स टू अचीव ए ऑल राउंड डेवलपमेंट। ये जो है ये स्टेटमेंट जो ये लिखा हुआ है यहाँ पे एग्जैक्टली ऐसे ही कुछ स्टेटमेंट जो असेसन और रीजन वाले जो क्वेश्चन रहते हैं, स्टेटमेंट टाइप जो क्वेश्चन रहते हैं यूजीसी नेट में, उसमें इस स्टेटमेंट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और यही पूछे जाते हैं रेगुलर, मतलब जो कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस में क्या करते हैं आप रेगुलरली, या क्या है कंटिन्यूअस एक्टिविटी जो है थ्रू आउट द ईयर आप कंडक्ट करते हैं टू अचीव द, इसमें जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है ऑलराउंड डेवलपमेंट, आप ऑलराउंड डेवलपमेंट यहाँ पे आप अचीव करने की कोशिश करते हैं कंटिन्यूअस में। नेक्स्ट है कॉम्प्रीहेंसिव। कॉम्प्रीहेंसिव का मतलब क्या है, जो हमारी मेंटल क्विज रहती है हम जैसे वैसे पूछ लेते हैं, जो वर्बली हम पूछ लेते हैं मेंटल क्विज कि आप माइंड में कैलकुलेशन करके बताइए, इमोशनल एंड फिजिकल एस्पेक्ट, मीन्स आप यहाँ पे बोल सकते हैं जो आपका कॉग्निटिव डोमेन है, अफेक्टिव डोमेन है, और साइकोमोटर डोमेन जो है वो कॉम्प्रीहेंसिव का मतलब ये है कि आप तीनों डोमेन पे यहाँ पे वर्कआउट करते हैं। ऑफ द स्टूडेंट प्रोग्रेस दैट ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ द स्टूडेंट्स, मीन कॉम्प्रीहेंसिव का मतलब क्या है, मेंटल क्विज, इमोशनल और फिजिकल, इसका मतलब क्या है
जो ब्लूम्स है, जो मैंने लास्ट लेक्चर में कवर किया हुआ है, ब्लूम्स टैक्सोनॉमी जो है उसमें तीन डोमेन है हमारे, कॉग्निटिव डोमेन, साइकोमोटर डोमेन और जो आपका अफेक्टिव डोमेन। कॉग्निटिव डोमेन में जो आप मेंटली जो है थिंकिंग जो डेवलप करने के लिए वर्कआउट करते हैं, इमोशनल में जो है आप, अफेक्टिव डोमेन में जो है इमोशनल जो फीलिंग्स रहती हैं उनसे आप डील करते हैं, वो जनरेट करने की कोशिश करते हैं स्टूडेंट्स के बीच में, आप इमोशन आप यहाँ पे जनरेट करते हैं। फिजिकल एस्पेक्ट जो है, साइकोमोटर जो डोमेन था अपना, जिसमें हम फिजिकल एक्टिविटी यानी कि जो लर्निंग बाय डूइंग का कॉन्सेप्ट आता है, जिसमें आप प्रैक्टिकल वर्क करते हैं, प्रैक्टिकल वर्क से या एक्टिविटी से स्टूडेंट्स जो है लर्न करता है यहाँ पे, वो हमने स्टडी किया था। ये कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब क्या है, ये तीनों डोमेन्स जो है बच्चे के अंदर डेवलप करने की कोशिश की जाती है। CCE कंटिन्यूस क्या है, थ्रू आउट द ईयर चलता रहता है बच्चे के डेवलपमेंट के लिए, ऑलराउंडर डेवलपमेंट के लिए। और जो ये कॉम्प्रिहेंसिव तीनों डोमेन पे वर्कआउट करता है कि ताकि बच्चे के अंदर तीनों डोमेन्स जो है डेवलप हो। इवोल्यूशन क्या है, इवेल्युएशन में ये जो है ये यहाँ पे लिखा हुआ है हिंदी के अंदर, बहुत सारे प्रोग्राम यूज किए जाते हैं स्टूडेंट्स की प्रोग्रेस को इवेल्युएट करने के लिए। मीन्स क्या है, वैरायटी ऑफ टूल्स एंड टेक्निक आर यूज्ड टू एक्सेस एंड इवेल्युएट द स्टूडेंट्स प्रोग्रेस। स्टूडेंट्स की प्रोग्रेस को एसेस करने के लिए और इवेल्युएट करने के लिए हम बहुत सारे टूल और टेक्निक का यूज करते हैं। फॉर्मेटिव इवोल्यूशन क्या है, फॉर्मेटिव इवोल्यूशन में हम देखेंगे व्हाट इज, मैं बताया था कि इवोल्यूशन जो है चार तरीके की होती है, प्लेसमेंट होती है, डायग्नोस्टिक होती है, फॉर्मेटिव होती है, सम्मेटिव होती है। मेन चार होती हैं, बेसिकली मेन जो है वो रहती हैं फोर ही रहती हैं, बाकी जो है कुछ पूछ ली जाती है, जैसे नॉर्मेटिव रहता है, क्राइटेरिया रहता है, वो कभी कभी वो रेयरली पूछा जाता है क्वेश्चन। ज्यादातर जो मेन फोकस रहता है फॉर्मेटिव और सबमेटिव पे ज्यादा रहता है, हम इस पे ज्यादा फोकस करेंगे। फॉर्मेटिव इवोल्यूशन जो रहता है मतलब फॉर्मेटिव मतलब एक तरीके से ये ओवर ए टाइम पीरियड जिसको कंडक्ट किया जाता है, 4 times 5 times विद इन ए वीक, मतलब एक महीने बाद, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, जो ओवर ए टाइम पीरियड जो कंडक्ट की जाती है वो क्या रहती है, फॉर्मेटिव इवोल्यूशन रहती है। फॉर्मेटिव इवोल्यूशन का मतलब क्या है, फॉर द टाइम बीइंग, एक से ज्यादा बार जो इवोल्यूशन होती है वो हमारी क्या होती है, फॉर्मेटिव इवोल्यूशन होती है। फोर के लिए जो मतलब फॉर्मेटिव का मतलब क्या है, फोर। इंटरवल थ्रू आउट का मतलब मैंने बताया कि 5 times 6 times या आफ्टर 1 week, आफ्टर 2 week या आफ्टर 1 month 2 month, इस तरीके से जो कंडक्ट की जाती है वो फॉर्मेटिव इवोल्यूशन होती है। प्रोवाइड इंफॉर्मेशन एंड फीडबैक, ये चीज याद रख लेना, और इसी की वर्ड से जो है जो ये इनको प्रोवाइड इंफॉर्मेशन एंड की जो मेन जो ये फीडबैक है, फीडबैक की हेल्प से आपका क्वेश्चन जो एलिमिनेशन मेथड से आप कर सकते हैं, जहाँ पे फॉर्मेटिव आते हैं ना वहाँ पे फीडबैक ज्यादातर जो है 99% जो है वो फीडबैक आता है। फॉर्मेटिव इवोल्यूशन में इंफॉर्मेशन और फीडबैक जो है टीचर के लिए भी मिलता है और स्टूडेंट्स को भी मिलता है। इसमें जो इमीडिएटली फीडबैक मिल जाता है टीचर को, जैसे कि मान लो टीचर ने एक चैप्टर जो है टीच किया, उसके बाद स्टूडेंट्स की उन्होंने एक टेस्ट लिया छोटा सा, उससे क्या है इमीडिएटली यहाँ पे रिजल्ट पता चल जाता है। उसमें क्या है कि आप मान के चलो आपने एक चैप्टर का टेस्ट लिया, 50 marks का टेस्ट लिया, बच्चों ने हाइएस्ट स्कोर किया 25, इट मीन्स क्या है कि आपका जो टीचिंग मेथड है आपको वो चेंज करने की जरूरत है। तो टीचर के लिए इसलिए हेल्पफुल होता है कि वो अगर कहीं पे उनका टीच किया हुआ समझ नहीं आ रहा है तो अपना टीचिंग स्टाइल जो है वो चेंज करें, और स्टूडेंट्स जो है स्टूडेंट्स के लिए ये बेनिफिट होता है कि वो और ज्यादा एक्टिव होने की उनको जरूरत होती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है। गोल क्या है फॉर्मेटिव इवोल्यूशन का, फॉर्मेटिव इवेल्युएशन का मेन गोल था टू मॉनिटर स्टूडेंट लर्निंग टू प्रोवाइड ऑन गोइंग फीडबैक। ये एग्जैक्टली यही स्टेटमेंट, इसी तरीके की जो स्टेटमेंट असेसमेंट रीजन वाली जो रहता है उसमें क्वेश्चन पूछा जाता है। टू मॉनिटर क्यों मेन गोल क्या था इसका फॉर्मेटिव इवेल्युएशन का, कि जो ऑन गोइंग फीडबैक जो है
लर्निंग का जो स्टूडेंट्स की लर्निंग का ऑनगोइंग फीडबैक जो है वो कंटिन्यूसली पता चलता रहे, मिलता रहे, दैट कैन बी यूज्ड बाय इंस्ट्रक्टर टू इम्प्रूव देयर टीचिंग एंड स्टूडेंट्स, जो कि टीचर और स्टूडेंट्स दोनों के द्वारा यूज किया जाता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो है ongoing feedback that can be used by instructor to improve their teaching and by students to improve their learning. To improve their learning, कि वो उनको अपनी learning को improve करने के लिए जो है वो क्या है use करते हैं, students जो है अपनी learning को improve करने के लिए और teacher जो है अपना जो टीचिंग स्टाइल है उसको इम्प्रूव करने के लिए यूज करता है। मतलब जो है फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन का जो भी फीडबैक रहता है वो दोनों यूज करते हैं, टीचर एज वेल एज स्टूडेंट्स। अब आप इसका एग्जांपल देख सकते हैं। एग्जांपल क्या है, आस्किंग स्टूडेंट्स, फॉर्मेटिव रिलेशन का एग्जांपल क्या है, आस्किंग स्टूडेंट्स टू सबमिट वन और टू सेंटेंस आइडेंटिफाई द मेन पॉइंट ऑफ द लेक्चर। आपने कोई लेक्चर डिलीवर किया, उसमें आप पूछ रहे हैं स्टूडेंट से आज के लेक्चर में आपने जो भी स्टडी किया उसमें से जो मेन जो दो पॉइंट है, आपको मेन पॉइंट कौन से, आपको दो पॉइंट जो मेन है जो आपको इसमें लेक्चर में दिखे आप वो एक पर्ची पे लिख करके आप वो बता दीजिए या आप वर्बली आप बताना। आप लास्ट में एट द एंड ऑफ द लेक्चर आप इस तरीके से फीडबैक ले सकते हैं स्टूडेंट से कि आज के लेक्चर में आपको क्या इम्पोर्टेंट लगा। नेक्स्ट हमारा आता है करैक्टरिस्टिक ऑफ फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन। करैक्टरिस्टिक क्या है फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन की, करैक्टरिस्टिक ऑफ फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन, इट इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ लर्निंग प्रोसेस। ये क्या है, इंटीग्रल पार्ट है किसका, लर्निंग प्रोसेस का। इट अकर फ्रीक्वेंटली ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द इंस्ट्रक्शन। ये जो है फ्रीक्वेंटली अकर्स होता है ड्यूरिंग द इंस्ट्रक्शन ऑफ द कोर्स, मीन्स क्या है कि ये आपका जो है विद इन ए वीक भी हो सकता है, विद इन ए लेक्चर भी हो सकता है कि आप लेक्चर बाय लेक्चर आप फीडबैक ले रहे हैं स्टूडेंट से, मतलब इमीडिएटली जो है फ्रीक्वेंटली जब टीचर चाहे सब टेस्ट ले सकता है। लेकिन समेटिव इवैल्यूएशन ऐसा नहीं होता, समेटिव इवैल्यूएशन जो आपका आजकल जो सेमेस्टर एग्जाम होते हैं वो हमारा फाइनल सेम एग्जाम रहता है, वो क्या हमारा समेटिव इवैल्यूएशन होता है, वो एट द एंड ऑफ ईयर या एट द एंड ऑफ सिक्स मंथ ऐसा कुछ होता है। अब इट्स रिजल्ट आर मेड इमीडिएटली नोन टू द लर्नर्स। जो फीडबैक जो हमारी फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन होती है उसका जो भी रिजल्ट रहेगा वो इमीडिएटली जो है लर्नर को पता चल जाता है कि उसका क्या परफॉर्मेंस है, उसके कितने मार्क्स आए हैं स्टूडेंट्स के पर्टिकुलर टेस्ट में या उसका क्या क्या परफॉर्मेंस है। यहाँ पे इट मे समटाइम टेक टीचर्स ऑब्जर्वेशन ओनली, मतलब यहाँ पे टीचर जो है खाली ऑब्जर्व करके भी स्टूडेंट्स की इवैल्यूएशन कर सकता है। इट रेनफोर्स लर्निंग ऑफ द स्टूडेंट्स, मतलब मैंने बार बार बोला है रेनफोर्स का मतलब क्या है, यहाँ पे टीचर जो है लर्निंग के अकॉर्डिंग स्टूडेंट्स को रिवार्ड प्रोवाइड कर सकता है, रिवार्डिंग कर सकता है। चेक स्टूडेंट स्ट्रेंथ एंड वीकनेस ऑन रेगुलर बेसिस, इससे क्या है फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन से स्टूडेंट्स की जो जो भी वीकनेस है या जो उनका स्ट्रेंथ है वो यहाँ पे पता चल जाता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे समेटिव इवैल्यूएशन क्या है, क्योंकि अभी जो है लेक्चर बहुत लंबा हो रहा है, लेक्चर ज्यादा बड़ा हो रहा है तो ज्यादा बड़ा लेक्चर ठीक नहीं है, बच्चे बोर हो जाएंगे, आपको नींद आ जाएगी, तो इसलिए मैं नेक्स्ट लेक्चर में समेटिव इवैल्यूएशन को डिस्कस करूंगी। थैंक यू।